समाजवादी पार्टी के बेतियाहस्ता स्थित कार्यालय पर बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और संचालन जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रमुख रूप से अवधेश यादव, अमरेंद्र निषाद, मिर्जा कदीर बेग, मुन्नी लाल यादव, सिंहासन यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, सुनील सिंह, संजय पहलवान, काली शंकर, राघवेंद्र तिवारी, राजू, मैना भाई, सुमन पासवान और राहुल यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम गोरखपुर के समाजवादी लोग पार्टी कार्यालय पर आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 118वीं जयंती पर हम लोग कार्यालय में किसान दिवस के रूप में एक गोष्ठी का आयोजन करके उसे मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसानों के मसीहा थे, वो जब मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो हमेशा ही वो किसानों के हितों में काम करते रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा रहे हैं। और हमेशा वो कहा करते थे कि देश के तरक्की का रास्ता, देश के खुशहाली का रास्ता गांव, गलियों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। हमेशा ही उन्होंने किसानों को महत्व दिया है, अधिकतम बजट उन्होंने किसानों के लिए दिया है और उस उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनके पद चिन्हों पर आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी चलने का काम कर रहे हैं। आज जो चौधरी चरण सिंह जी के अधूरे सपने रह गए हैं किसानों के हित में, उसको पूरा करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किसानों के दिमाग में, किसानों के खुशहाली का समय आएगा, किसानों के हित में काम होगा। आपने देखा जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसानों के हित में खेत सिंचाई के लिए पानी फ्री कर दिया। और आप सोचिए, गरीब किसान जब कभी दुर्घटना में उसकी मौत होती थी तो मौत होने के बाद परिवार एकदम अनाथ हो जाता था, खाने की व्यवस्था नहीं होती थी। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसके लिए किसान बीमा का आयोजन किया और आज जब भी कोई किसान मरता है तो हमारी सरकार की व्यवस्था के अनुसार 5 लाख रुपया किसान बीमा के रूप में उसे दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी आज लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रही है।